से कुछ ही देर में 18वें G20 सम्मेलन की पहली बैठक दिल्ली में आयोजित होने वाली है। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से राजधानी दिल्ली को तैयार किया जा रहा था और अब जाकर भारत 18वें G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तमाम वैश्विक नेताओं के साथ आखिर आज क्या बात होने वाली है, आज और कल यानी कि 9 और 10 सितंबर को इन दो दिनों में G20 को लेकर क्या एजेंडा रहने वाला है, किन मुद्दों पर बात होगी, क्या कुछ खास होगा, पूरा शेड्यूल जाने हमारी इस खास वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा, कुछ देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। 9:30 बजे से तमाम वैश्विक नेताओं के स्वागत के साथ शुरू हो रहा आज का पहला G20 समिट, 18वीं G20 समिट का पहला दिन जो कि आज है, इसमें पहली बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हो जाएगी। चलिए बताते हैं क्या है पूरा शेड्यूल। शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष अधिकारी और आमंत्रित अतिथि देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। G20 सम्मेलन सुबह 9:30 बजे आयोजन स्थल यानी कि भारत मंडपम पर विश्व नेताओं के आगमन के साथ शुरू हो रहा है। करीब 10:30 बजे पहला सत्र वन अर्थ होगा। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में सत्र के दौरान वन अर्थ चर्चा के मुख्य विषयों में से एक होगा। ये सत्र शमन में वृद्धि के माध्यम से जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने और वैश्विक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के एजेंडे को जल्द से जल्द मजबूत करने पर केंद्रित होगा। खासतौर पर इस साल के G20 शिखर सम्मेलन का विषय जो भारत की अध्यक्षता में हो रहा है, वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। ये थीम प्राचीन संस्कृत पाठ महाउपनिषद से लिया गया है। वन अर्थ सत्र के समापन और दोपहर के भोजन के बाद वन फैमिली का एक और सत्र 3 बजे आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन के एक भाग के रूप में शाम करीब 7 बजे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से रात्रि भोज का आयोजन होगा। मौजूदा कैबिनेट में विदेशी प्रतिनिधि सांसदों और मंत्रियों के अलावा G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में देश के कुछ पूर्व वरिष्ठ नेता भी हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा उन प्रमुख नेताओं में से है जो देश की राजधानी में कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हालांकि शिखर सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग कर रहे हैं और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब बताते हैं कौन कौन इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचा है। मालूम कि ये पहली बार कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत की परंपरा और ताकत को दर्शाने के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं। भारत का लक्ष्य अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य के रूप में शामिल करना और शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में युद्ध से संबंधित एक संयुक्त बयान के बारे में असहमति को हल करना है। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले देशों में नाइजीरिया, अर्जेंटीना, इटली, EU और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, जापान, सऊदी अरब, कोरिया गणराज्य, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, इंडोनेशिया, तुर्की, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, मॉरिशियस, यूरोपीय संघ और सिंगापुर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।